देखें कुरतुल्लैन, ये तो मसला हमारे घर में भी चल रहा है, गीला तौलिया जो है सुबह को जो है ना हमारे बेड के ऊपर पड़ा होता है और उस पर मुझे सुबह सुबह कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। अनॉइंस वाकई बड़ा अच्छा, आपके वो कहते हैं क्वेश्चंस आर द आंसर्स, आपके क्वेश्चन नहीं है कि ये एक्सेप्ट करें, सिबलिंग्स की अनॉइंस को भी तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि यंगर सिबलिंग आर अनॉइंग एंड एल्डर सिबलिंग्स आर वेरी एम्पैथेटिक बुलीज, तो लेकिन अफेक्शन लव कनेक्शन वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन अनॉइंस के एक्सप्रेशन में इशू आता है और बात वो उसको हम उस पर बांध नहीं बांध सकते। अनॉइंस की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी इन तमाम चीज़ों पे आ सकता है एंड वी सी जब हमारे पास लोग आते हैं ना बहुत सीरियस चीज़ों को भी लेके डिवोर्स तक पहुँचने भी, तो ये छोटी छोटी अनॉइंस होती है उसको आई थिंक पहले आपको एड्रेस कर लेना चाहिए एक दूसरे के साथ कि यू नो दिस इज़ बीइंग अनॉइंग कि नेक्स्ट टाइम इफ दिस हैपेंस तो आई माइट रिएक्ट टू इट। अच्छा एक और भी होता है कि कोई बड़ी अनॉइंस भी आ गई ना, बड़ा झगड़ा आया, उसने आपकी आंखों पे ऐनक लगाई जिसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगे हुए हैं, फिर आप जब रिट्रोस्पेक्ट करेंगे ना मुड़ के देखेंगे तो छोटी छोटी अनॉइंस इतनी बड़ी बड़ी नजर आएंगी, इतनी इतनी अनॉइंस जो है इतनी बड़ी नजर आएंगी, तो टोटल एक्चुअल एंड परसीव्ड एग्रीगेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स वो बढ़ जाता है। हाँ ऐसा तो है। अच्छा एक चीज और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, बिकरिंग हो गई, हो गई, रिकवर कैसे करेंगे? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिकवरी कितनी क्विक होगी? यस। रिकवरी कितनी ईगोलेस होगी? यस। रिकवरी उतनी ही इंटेंस होगी, कंपनसेशन उतनी ही इंटेंस होगी, और इसके एक्चुअली ग्राउंड रूल्स सेट होने चाहिए। इसके ग्राउंड रूल्स अगर आप अर्ली मैरिज में लाइक डे वन या इवन प्री मैरिटल काउंसलिंग में भी आप वो सेट कर देते हैं एंड यू स्टिक टू दैट तो बहुत हो जाता है। जैसे कि बहुत कौन करेगा आपको पता, बहुत एक कॉमन सा होता है कि वी विल नॉट स्लीप वाइल बीइंग एंग्री विद ईच अदर, दैट इज इट। एंड विद टाइम जो कपल्स बहुत बाद में सीखते हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो है दे कम बैक to being on the normal terms and not being acting like teenagers ke abhi bhi hum naraaz hain aur wo ghoom rahe hain. One more thing, jhagda sabke samne hua hai to phir manayenge bhi sabke samne, ladai bachchon ke samne hui to pyar bhi bachchon ke samne hoga, bilkul maafi talafi bhi bachchon ke samne hogi ya mother ke samne hogi ya mother in law ke samne hogi, aur isse bhi pehle ka step के सामने नहीं होगा जो हम ग्राउंड रूल सेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू लीव योर बेडरूम। एंड इवन अगर आप एक दूसरे से खफा हैं, यू आर टेकिंग योर टाइम, अभी वो घंटा चल रहा है जब आपकी प्रोसेसिंग चल रही है और कोई तीसरा आया है या आप तीसरे किसी इन्वायरमेंट में गए हैं, तो आपकी ये चीज़ बाहर, आप बाहर के इन्वायरमेंट को यूज़ नहीं करेंगे अपने गुस्से के एक्सप्रेशन को कम्युनिकेट करने के लिए, इसलिए क्योंकि ये आपने वो दरवाज़ा खोल दिया है जहाँ दो के रिलेशनशिप में कोई भी तीसरा, कोई माहौल, कोई इंसान, कोई इवेंट घुस रहा है जो कि अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो अगर ये छोटी छोटी ग्राउंड रूल्स पहले से सेट हो जिसको दोनों रिस्पेक्ट करें, दोनों। अच्छा मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा वर्क लाइफ से। हमारे वर्क प्लेसेस पर ग्राउंड रूल्स तय हैं, बॉस की अनॉइंग बात पर उतने ही शदीद गुस्सा आता है, लेकिन आप उसका इजहार नहीं करते। सो इसी तरह आपने अपने घर के अंदर भी अपने पार्टनर को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को, उनकी किसी अनॉइंग बात को आपने इसी तरह प्रोसेस कर लेना है और यू हैव टू वेट अंटिल दिस प्रोसेस इज डन एंड यू आर ऑन द रिकवरी पाथ।